दोस्तों आज का जो कैमरा है, दोस्तों आज का जो सीसीटीवी कैमरा है ये खासकर स्कूल बसेस के लिए है। आपको क्या करना है, सिर्फ कैमरा को बाहर निकालना है, इसमें एक सिम कार्ड डालना है और एक मेमोरी कार्ड डालना है, उसके बाद इसको बस में लगा दीजिए और पावर देते ही ये कैमरा रिकॉर्डिंग करना शुरू करेगा इसके माइक्रो एसडी कार्ड में और इसके लाइव प्रीव्यू को आप देख पाएंगे मोबाइल ऐप में और जो रिकॉर्डिंग हो गया है वो भी आप देख पाएंगे मोबाइल ऐप से। इसके लिए कोई भी डीवीआर मॉनिटर कुछ भी जरूरत नहीं है, वायरिंग का भी कुछ भी जरूरत नहीं है। ये एकदम इजी टू यूज प्लग एंड प्ले सीसीटीवी कैमरा है स्पेशली फॉर स्कूल बसेस। लेकिन स्कूल बसेस के अलावा आप इसको घर पे भी यूज कर सकते हैं, ऑफिस पे भी यूज कर सकते हैं, दुकान पे भी यूज कर सकते हैं या फिर लिफ्ट में भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो कैमरा है ये वेल्बू ब्रांड का है और ये जो वेल्बू ब्रांड है ये एक इंडियन कंपनी है, मतलब ये प्रोडक्ट चाइनीज नहीं है, तो आपको कोई भी शिकायत नहीं होगा। और ये एक इंडोर डोम कैमरा है जो देखने में इस टाइप का है। यहाँ पे लिखा है 4G आईबल कैमरा, नीचे इसका फीचर्स दिया हुआ है जैसे कि इसमें वीडियो में ऑडियो भी रिकॉर्ड होता है, 2-way कम्युनिकेशन पॉसिबल है, स्मार्ट ड्यूल नाइट विजन है, मोबाइल ऐप से चलता है और माइक्रो एसडी कार्ड में वीडियो रिकॉर्डिंग करता है और इस साइड में मोबाइल का ऐप डाउनलोड करने के लिए क्यूआर कोड दिया हुआ है। ये iOS, Android एंड विंडोज तीनों प्लेटफॉर्म के लिए है। तो मतलब आप इस कैमरा को मोबाइल के अलावा लैपटॉप डेस्कटॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ऑल 4G सिम सपोर्टेड, स्मार्ट ड्यूल नाइट विजन, बिल्ट इन माइक एंड स्पीकर और इस साइड में कंपनी का वेबसाइट एड्रेस दिया हुआ है जो है www.velbu.in। और बीच में इस कैमरा का स्पेसिफिकेशंस दिया हुआ है जैसे कि ये 3 megapixel का कैमरा है और ये एक 4G डोम कैमरा है। तो डोम कैमरा मतलब इस टाइप का कैमराज होते हैं, आपने इस टाइप का कैमराज देखे होंगे सुपरमार्केट पे या ऑफिसेस में, तो इसको बोला जाता है इंडोर डोम कैमरा और ये भी है एक इंडोर डोम कैमरा। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है जैसे कि इसमें देखिए इसमें वायर है और इसको वायरिंग करना पड़ता है, इसके लिए डीवीआर चाहिए होता है, मॉनिटर चाहिए होता है और डीवीआर में हार्ड डिस्क भी लगाना पड़ता है। लेकिन ये जो कैमरा है इसके लिए कोई भी डीवीआर का जरूरत नहीं है, मॉनिटर का जरूरत नहीं है, वायरिंग का भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसके अंदर एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड डालना है बस। उसके बाद इसके ऐप को डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल पे या फिर लैपटॉप डेस्कटॉप में और आपका काम खत्म। तो ये बहुत ही काम का कैमरा है। तो आज मैं इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ, उसके बाद इसका जो वीडियो सैंपल है डे का नाइट का आपको वो भी दिखाने वाला हूँ, इसके मोबाइल के ऐप के बारे में भी बात करेंगे, तो इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए अभी करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो सबसे ऊपर दिया हुआ है स्क्रूज वगैरह, इस कैमरा को सीलिंग पे इंस्टॉल करने के लिए इन स्क्रूज का काम आएगा। उसके बाद ये हो गया वायर्स का कैप, उसके बाद ये वाला हो गया इसका पावर अडाप्टर 12 वोल्ट का, उसके बाद ये वाला हो गया कैमरा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मुस्कुराइए आप वेल्बू के नजर में है। तो चलिए कैमरा को निकालते हैं। तो ये वाला हो गया कैमरा, ये एक वायरलेस कैमरा है लेकिन इस पे ये वायर तो रहता ही है क्योंकि इस कैमरा पे पावर देना पड़ेगा। तो ये वाला हो गया पावर इनपुट, उसके बाद ये वाला हो गया इसका रिसेट का बटन और ये लैन इनपुट। तो चलिए अभी कैमरा को देखते हैं पास से। तो ये वाला हो गया एक्चुअल कैमरा, बीच में ये वाला हो गया लेंस, ये वाला हो गया इसका माइक, पीछे ये वाला हो गया स्पीकर, उसके बाद यहाँ पे 2 LED लाइट्स दिया हुआ है कलर नाइट विजन के लिए, उसके बाद यहाँ पे इंफ्रारेड लाइट्स दिया हुआ है। ये कैमरा कंप्लीट डार्कनेस पे भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है ब्लैक एंड व्हाइट मोड में। और बीच में ये वाला हो गया इसका सेंसर, उसके बाद इसका जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ है, बहुत ही प्रोफेशनल है, बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी है। तो चलिए अभी मैं आपको बता देता हूँ इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। उसके लिए इसके नीचे के हिस्से को खोलना पड़ेगा, एक्चुअली ये इसका ऊपर का हिस्सा है, इसको घुमाने से ये खुलेगा। तो अभी देखिए कैमरा 3 हिस्सों पे बच चुका है। तो जो कि ये देखने में गोल जैसा है इसलिए इसको बोला जाता है आईबॉल कैमरा। तो इसमें से ये वाला जो प्लेट है ये माउंटिंग बेस है, इसको आपको सीलिंग पे लगाना पड़ेगा। तो सीलिंग पे लगाने के लिए आपको सीलिंग पे 2 होल करना पड़ेगा, वहां पे इन स्क्रूज को डालना पड़ेगा और इसको पहले सीलिंग पे लगाना पड़ेगा ऐसे, उसके बाद कैमरा को यहाँ पे डाल के घुमाने से ये कैमरा लॉक हो जाएगा। तो वो करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं कैमरा पे सिम कार्ड और माइक्रो एसडी कार्ड डालने का जगह कहाँ पे है। तो ये देखिए यहाँ पे सिम कार्ड और माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का ऑप्शन है। तो आप अंदर पे देख सकते हैं वो वाला हो गया सिम कार्ड और माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट, तो वहां पे आपको माइक्रो एसडी कार्ड और सिम कार्ड डालना पड़ेगा। तो मैंने लिया है यहाँ पे एक माइक्रो एसडी कार्ड और एक सिम कार्ड, तो चलिए अभी इनको यहाँ पे डाल देते हैं। पहले सिम कार्ड को डालेंगे, तो सिम कार्ड को मैंने डाल दिया, अभी माइक्रो एसडी कार्ड को डालेंगे, तो माइक्रो एसडी कार्ड को भी मैंने डाल दिया है। तो अभी इसको बंद करेंगे और वापस जैसा था वैसा इसको लगा देंगे। तो लग चुका है, तो अभी ये कैमरा रेडी है। अभी मैं इसका जो ऐप है वो भी डाउनलोड करूंगा और इसका जो वीडियो सैंपल है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले चलिए बात करते हैं ये कैमरा आपको घर पे कैसे काम आएगा। तो
तो मान लीजिए आपके घर पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है और आप वैकेशन पे जा रहे हैं, तब अगर ये कैमरा आप घर पे लगा के जाते हैं तो आप जहाँ पे भी जाएंगे उस जगह से अपने घर को देख पाएंगे। मतलब जो कि ये एक 4G कैमरा है, सिम डालते ही ये ऑनलाइन हो जाता है और इसके लाइव प्रीव्यू को आप स्मार्टफोन पे दुनिया के कहीं से भी देख पाएंगे। मतलब अगर आपने इस कैमरा को इंडिया पे लगाया है तो अमेरिका से भी देख सकते हैं, और अगर आपने इसको स्कूल बस के अंदर लगाया है तो स्कूल बस के अंदर क्या हो रहा है आप स्कूल ऑफिस से देख सकते हैं। तो चलिए अभी इसमें पावर देते हैं और इसके ऐप को डाउनलोड करते हैं। तो ऐप को डाउनलोड करने के लिए बॉक्स में QR कोड दिया हुआ है, तो इसको स्कैन करेंगे। तो स्कैन हो गया है, अभी ये जा रहा है प्ले स्टोर पे। तो ये वाला हो गया इसका ऐप, ऐप का नाम है IR Pro। तो इसको इंस्टॉल करेंगे, तो इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए अभी इसको ओपन करते हैं। तो ये वाला हो गया इसका ऐप, एग्री करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो मैं रजिस्टर कर लेता हूँ और फिर से मिलेंगे उसके बाद। Few moments later. तो मैंने रजिस्टर कर लिया है। तो ये हो गया इस ऐप का इंटरफेस। तो यहाँ पे कैमरा को ऐड करने के लिए देखिए यहाँ पे एक प्लस आइकन है और नीचे लिखा है ऐड कैमरा, तो वहाँ पे टैप करेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए कैमरा पे पावर दे लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है एक स्विच बोर्ड, वहाँ पे अडैप्टर को लगाएंगे। अभी कैमरा पे अडैप्टर को कनेक्ट करेंगे, अभी स्विच को ऑन करेंगे। स्विच को ऑन करते ही कैमरा का जो LED लाइट है वो जलना शुरू हो गया है, और अभी कैमरा से कुछ वॉइस कमांड आएंगे, उसके बाद इसको ऐप में ऐड कर सकते हैं। Start 4G mode. The network is connecting. 4G network connection succeeded. तो सुना आपने, कैमरा ने बोला 4G कनेक्शन सक्सीडेड, मतलब ये कैमरा अभी ऑनलाइन हो चुका है और इसने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दिया है इसके मेमोरी कार्ड में। अभी ऐप में आपको कैमरा को ऐड करना है, तो टैप करेंगे ऐड कैमरा पे, परमिशन को कंफर्म करेंगे, सभी को अलाउ करना पड़ेगा और GPS को भी ऑन करना पड़ेगा। Searching for nearby devices. Please wait. तो GPS को मैं ऑन कर लेता हूँ पहले। तो देखिए मैंने GPS ऑन कर लिया है और मेरा मोबाइल मेरे घर के ब्रॉडबैंड के साथ कनेक्ट है, या फिर आप मोबाइल डाटा को भी ऑन कर सकते हैं। तो अभी कैमरा का जो QR कोड है उसको स्कैन करने के लिए बोला है, तो उसको स्कैन करेंगे। तो स्कैन हो चुका है, तो डिवाइस भी ऐड हो गया है। अभी इसका नाम देना है, तो मैं इसका नाम देता हूँ लिविंग रूम, उसके बाद कंफर्म करेंगे। उसके बाद ये वाला जो QR कोड है, कैमरा का QR कोड है, इसको सेव करने के लिए बोला है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं। तो देखिए कैमरा यहाँ पे आ चुका है। तो ये वाला जो प्ले आइकन है वहाँ पे टैप करने से कैमरा का प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए कैमरा ऑनलाइन हो चुका है। तो इसका सेटअप कितना आसान था। अभी कैमरा ऑनलाइन हो चुका है, अभी इस कैमरा को आप घर पे लगा के वैकेशन पे जा सकते हैं, या फिर स्कूल बस पे लगा के स्कूल ऑफिस से आप देख सकते हैं। तो आपने देख लिया कैमरा को कैसे मोबाइल ऐप में ऐड किया जाता है। तो चलिए अभी इस ऐप का जो फीचर्स है वो भी जान लेते हैं। तो ये वाला हो गया इसका मोबाइल ऐप, यहाँ पे आपको इसका लाइव प्रीव्यू देखने को मिलेगा। उसके नीचे क्वालिटी चेंज करने का ऑप्शन है, फिलहाल SD है, आप HD भी कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला हो गया लाइट कंट्रोल, लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला हो गया स्पीकर, इसको ऑन करने से कैमरा के सामने जो भी खड़ा है उनके बात को आप सुन पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हो गया स्नैपशॉट का ऑप्शन और ये वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। अगर आप इस वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑन करेंगे तो ये देखिए आपके मोबाइल पे ही वीडियो सेव होना शुरू हो गया है। उसके बाद ये वाला हो गया फुल स्क्रीन का मोड, तो ये देखिए अभी फुल स्क्रीन हो चुका है। तो चलिए वापस छोटे स्क्रीन पे चलते हैं। तो ऊपर का मैंने दिखा दिया, अभी चलिए नीचे देखते हैं। तो नीचे यहाँ पे है क्लाउड, इवेंट और माइक का आइकन है। तो इस माइक को दबा के आप कैमरा के सामने जो भी खड़ा है उनसे बात कर सकते हैं। और ऊपर है प्लेबैक, तो इस प्लेबैक को दबा के आप मेमोरी कार्ड में जो भी रिकॉर्डिंग हो गया है उसको देख पाएंगे। तो ये देखिए टाइमलाइन पे ये वाला जो पीला वाला हिस्सा है ये पुराना रिकॉर्डिंग है, ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है क्योंकि अभी अभी मैंने कैमरा को ऑन किया है। तो इस तरह से आप पुराना वीडियोस को देख सकते हैं। और इसमें कैलेंडर भी है, ये वाला हो गया कैलेंडर, तो इस कैलेंडर से आप पुराने किसी भी डेट के वीडियोस को देख पाएंगे। और जो प्लेबैक वीडियो है आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर से चलते हैं लाइव व्यू में। तो यहीं पे मैं आपको एक जरूरी बात बता देता हूँ कि जो कि ये 4G कैमरा है, तो इसीलिए इस कैमरा का जो लाइव प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपके सिम के नेटवर्क प्रोवाइडर के ऊपर। अगर सिम का नेटवर्क प्रोवाइडर का स्पीड अच्छा होगा तो आपको इसमें कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने जो सिम लगाया है अगर उसका सिग्नल अच्छा नहीं है, टावर ठीक नहीं है, नेटवर्क ठीक से नहीं मिल रहा है, वो कभी कभी लैग भी कर सकता है, जैसे कि फिलहाल अभी हो रहा है। अगर नेटवर्क अच्छा नहीं होगा तो इस तरह से वीडियो फ्रीज हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे बोला है नेटवर्क एरर, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। रिकनेक्ट करेंगे तो डिवाइस ऑफलाइन बता रहा है, मतलब कैमरा को नेटवर्क नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए आप हमेशा इस कैमरा पे वही सिम लगाइए जिसका नेटवर्क आपके एरिया में अच्छा हो। तो अभी इस कैमरा का जो वीडियो क्वालिटी है वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए देखते हैं सेटिंग्स पे क्या क्या है। तो यहाँ पे आपको मोशन डिटेक्शन सेटिंग्स मिलेगा, क्योंकि इस कैमरा पे मोशन डिटेक्शन भी है, मतलब जब भी इस कैमरा के सामने कोई भी आएगा तब आपको स्मार्टफोन पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन मिला है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है लिविंग रूम ह्यूमन डिटेक्टेड, मतलब कैमरा ने मुझे देखा है। तो इस तरह से अगर आप घर पे नहीं है और उस टाइम पे कोई आपके घर पे घुसता है तो आपको तुरंत आपके स्मार्टफोन पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उसका सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा मोशन डिटेक्शन अलर्ट पे।
और यहाँ पे साइरन सेटिंग्स भी दिया हुआ है, तो साइरन को अगर ऑन करेंगे तो कैमरा से साइरन बजेगा। चलिए इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कैसा तो सुना आपने इस टाइप से इस कैमरा से साइरन बजेगा जब भी कैमरा के सामने कोई आएगा। उसके बाद वार्निंग लाइट्स को भी ऑन कर सकते हैं, तो कैमरा के सामने जब भी कोई आएगा लाइट्स ब्लिंक होंगे, साइरन बजेंगे और आपके स्मार्टफोन पे नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो ये था इस कैमरा का सेटिंग्स और ये था इस कैमरा का ऐप। तो चलिए अभी देखते हैं इस कैमरा का जो वीडियो क्वालिटी है कैसा है। तो ये वाला हो गया इस कैमरा का इंडोर का वीडियो क्वालिटी डे का, और इस कैमरा से ऑडियो भी रिकॉर्ड होता है जो अभी हो रहा है। तो आप देख लीजिए इसका वीडियो क्वालिटी कैसा है, और इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है पूरा वाइड एंगल है, पूरा रूम को कवर करेगा। तो आप देख लीजिए इसका वीडियो क्वालिटी। तो देखा आपने इसका जो वीडियो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है। तो ये था डे का वीडियो सैंपल इंदौर का। तो अभी देखेंगे इसका नाइट विजन सैंपल। तो चलिए तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का ये वाला 4G डोम कैमरा काम का लगा होगा। अगर हाँ तो इसको खरीदने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहीं से आप इसको खरीद सकते हैं और अपने घर पे, ऑफिस पे, दुकान पे, लिफ्ट में या फिर स्कूल बसेस में लगा सकते हैं। इसका वीडियो क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है और ये जो कंपनी है ये भी बहुत ही अच्छा है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, चाइनीज नहीं है, तो आप इसको ले सकते हैं। साथ ही ये आता है वारंटी के साथ और इसका बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है, लेकिन ये आउटडोर कैमरा नहीं है, आपको इसको इंडोर पे यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आपको आज का वीडियो काम का लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस तरह के यूजफुल प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी से मिलते हैं एक दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।